नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने अभी आदेश हुआ है कि ATG के अंतर्गत अपन को SMC का अपने रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने स्कूल में SMC चलती है, जो विद्यालय विकास समिति, उसका रजिस्ट्रेशन ATG के अंतर्गत करवाना है, ताकि अपन को 50% बेनिफिट अपन इसमें ले सकते हैं। तो पहले पंजीयन कार्यालय से अपन को रजिस्ट्रेशन कराना है, इसका कोच कार्यालय से। और उसमें क्या क्या, एक तो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, क्या क्या पत्रावली चाहिएगी, कौन कौन से पत्र अपन को समेकित करने हैं, उसके पहले अपन को रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अपन इसको इसके बेनिफिट से लाभान्वित हो सकते हैं, जिसमें 50% बेनिफिट मिलना है अपन। तो आइए अपन देखते हैं इसके बारे में। मतलब कुल मिलाकर सेक्शन ATG यानी कि धारा ATG के अंतर्गत अपने लिए ऑफर्स है, जिसमें टैक्स डिडक्शन होता है अपने 50%। 50% बेनिफिट अपन इसमें पा सकते हैं। अगर अपन को कोई डोनेट करता है, राशि डोनेट करता है, तो अपने पास में टैक्स का ATG का सर्टिफिकेट अगर हो, अपने जो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, तो उसके अंतर्गत अपन 50% उसमें बेनिफिट अपन टैक्स में उससे ले सकते हैं। और सामने वाले डोनेट करने वाले को भी इसमें 50% की राशि की अपन को बेनिफिट की रसीद भी अपन आसानी से दे सकते हैं। ATG बेनिफिट के अंतर्गत अपन टोटल डोनेट राशि जो होती है उसमें 50% टैक्स जो होता है, टोटल राशि का 50% टैक्स जो होता है उसका बेनिफिट अपन आसानी से ले सकते हैं। अपन ने द्वारा या तो NGO के द्वारा राशि डोनेट की जाती है, या कोई ट्रस्ट के माध्यम से अपन को राशि डोनेट की जाती है, या अपने द्वारा राशि अपने SMC अकाउंट में डोनेट की जाती है, तो अपने पास में ATG सर्टिफिकेट के अंतर्गत, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के अंतर्गत 50% टोटल राशि जमा जो टैक्स की बनती है, उसमें से 50% राशि का अपन बेनिफिट आसानी से ले सकते हैं। धारा ATG के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके लिए अपन वो डॉक्यूमेंट पहले देख लेते हैं। अपने SMC के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए अपन को संस्था विकास कोष समिति जो है अपने, उसके अनुमोदन से अपन को इनके नियमों के अंतर्गत जो नियमावली बनी हुई है उसके अंतर्गत 10 प्रकार के जो कागज़ हैं अपन को वो सबमिट कराने होंगे। उसमें नियमावली के अंतर्गत ये जो कागज़ अपने सामने संस्था विकास कोष समिति के अंतर्गत, पहले तो अपन को रजिस्ट्रेशन कराना है इसमें, जिसके अंतर्गत अपना प्राथमिक एवं माध्यमिक विकास शिक्षा विभाग, मतलब यहाँ पर विद्यालय का पूरा नाम लिखे, और उस समिति के उद्देश्य के अंतर्गत समिति संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के भवन एवं उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधा हेतु विकास के कार्य किए जा सकेंगे। उसके अंतर्गत सारे नियम हैं ये, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अंतर्गत अपन फीस वगैरह जो दानदाताओं से जो राशि लेते हैं, उस वो सारी उस विकास कोष के अंतर्गत जमा होनी है। और SMC के अंतर्गत जो आने वाली राशि है वो भी उस विकास कोष के अंतर्गत ही दर्शाई जाएगी, जिसका अपन को बेनिफिट भी लेना है। इसमें यहाँ पर नीचे बताया गया अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर, और ये समस्त, और कोषाध्यक्ष जो अपने सेक्रेटरी। उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न आता है इसका, और अपने समिति के सदस्यों के नाम यहाँ पर, जैसे संस्था प्रधान, अभिभावक, जो मनोनीत सदस्य अपन ने किए गए हैं, 15 प्रकार के सदस्य की टीम जो अपनी होती है, उन सभी के यहाँ पर सदस्यों के नाम और उनके हस्ताक्षर सहित यह प्रपत्र ही अपन को भरकर देना है। और प्रत्येक प्रपत्र पर यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव के साइन होने जरूरी हैं। और यहाँ पर हस्ताक्षर के करने वाले दो गवाह भी होने चाहिए, कि जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और उसके बाद में इनके हस्ताक्षर यहाँ पर नीचे, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने आवश्यक हैं, जिसमें दो राजपत्रित अधिकारी भी होंगे, जिसके समक्ष अपन को हस्ताक्षर उनके करवाने हैं, जिनका पता भी पूर्ण रूप से इसमें लिखना है। पंजीयन कार्यालय का कार्यक्षेत्र, यहाँ पर अपने जिले का नाम जहाँ पर स्थापित है, और ब्लॉक का नाम, और इस समिति के जो सदस्य होंगे वो उसमें, एक तो संबंधित विद्यालय का अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के पिता माता
और उसमें के बाद में संबंधित विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और उस कार्यक्षेत्र में, जैसे अपना जो कार्यक्षेत्र है, अपने विद्यालय का परिक्षेत्र है, उसके मतलब मुख्य प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष या किसी एक के भी साइन इसमें करवाने जरूरी है। और उसके में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद, नगर पालिका सदस्य या वार्ड पंच, उसके वार्ड पंच के भी हस्ताक्षर हो जाएँ तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के साइन भी यहाँ पर होने हैं। ये जो नियमावली प्रपत्र है जो आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है, इसमें सदस्यता की समाप्ति, जो सदस्य अपने मनोनीत किए हैं उसमें सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि सदस्यता की समाप्ति सामान्य सभा के सदस्यों की निम्न स्थितियों में, या तो उसकी मृत्यु होने पर, या त्यागपत्र देने पर, या निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित सदस्य नहीं रहने पर। इन तीन परिस्थितियों के मद्देनज़र सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके बारे में कार्यकारिणी का गठन होना है और उसमें 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य, अगर उस सदस्य अपने मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं तो उसमें से 15 सदस्य समिति में से 3 सदस्य को उनको नोटिस जारी करने का भी अधिकार इसमें बताया गया, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकार से ये 10 प्रकार की पत्रावली है जो कागज को परिपूर्ण करने के बाद में अपन को इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, यहाँ पर शपथ पत्र भी यहाँ पर हस्ताक्षर पूर्ण करवाना है और यहाँ पर सत्यापन होगा इसका। उसके बाद में लास्ट कार्यक्रम जो है वो इसका सत्यापन का है। यह पत्रावली परिपूर्ण करने के बाद में अपना कोष कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होगा, जो अपने को टोकन के रूप में प्राप्त होगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक होगा अपना। और रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त करने के बाद में अपन यहाँ पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जो कि अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत पैन कार्ड बनेगा इंडिविजुअल, जो ATG के अंतर्गत अपन 50% की जो बेनिफिट है वह आसानी से ले सकते हैं। अपन वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन यूज़र पर अपना जो रजिस्ट्रेशन टोकन नंबर आएगा उसको यहाँ सबमिट करेंगे। अपने विद्यालय का मेल आईडी है अपने पास में, वह सबमिट करने के बाद में अपन आसानी से अपना पैन कार्ड जो ATG के अंतर्गत बन रहा है, बनाना है, उसका निर्माण अपन आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।